माँ अटली बन्नी दे सारे पंच सरपंच सारे कट्ठे होइए आए हैं। कट्ठे होइए आने का कारण यह है कि जी टोल प्लाजे पर गुंडागर्दी है। मैं तो 1.5 साल पहले का रणाना कि टोल प्लाजा लखनपुर के नहीं होना चाहिए और अज तुम जीती जागती मिसाल दिख ली है। सरपंच साहब कहीं बदतमीजी करा देना, लोग सरपंच का की बर्दाश्त नहीं करा देना, बदतमीजी करा देना, गुंडे लेंदे देने, जम्मू तो गुंडे आए देने। मैं डीसी साहब की आग्रह करना चाहना कि टोल प्लाजा तो जल्द चुकी लाओ, नहीं तो 2 साल पहले जी साड़ी एजिटेशन ही वो तुम भखा दो, क्योंकि SSP साहब भी आखना चाहना इधर पर कार्रवाई करो कि जी गुंडे लेंदे देने, लोकल लोगों के बदतमीजी करा देना, लोग 1 किलोमीटर सफर नहीं करा देना, वो 80-80 रुपये 500-500 रुपये किस प्रकार का टोल देंगे। मेरी फर्स्ट ये तो ये गुहार है एडमिनिस्ट्रेशन आगे और SSP साहब आगे और लखनपुर म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान साहब आगे अहें गुहार करने हैं, किसी टोल प्लाजे की जल्द से बंद करो, अगर बंद नहीं करना JK 08 की मेटाडोर की और जी साढ़े ट्रैक्टर ने और साढ़े आटो ने और साढ़े JK 08 है इसी माफ़ कराओ, नहीं तो 2-4 दिन के अंदर अंदर यह टोल प्लाजा थोड़ा लुभना नहीं है। ये पर बड़ा बड़ा एक अजूम जाना है, अजूम तो संभाली नहीं सकते हो क्योंकि बदतमीजी जी है और चरम सीमा पर आई है, उन्हें बर्दाश्त कोला बाहर है। सर क्या नाम है आपका और किस मसले को लेकर आप? सर मेरा नाम बोध राज है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कठुआ कांग्रेस पार्टी से हूँ और आज जो मेरे जो भाई ऑटो ड्राइवर है, मेट्रो ड्राइवर है, ट्रैक्टर ड्राइवर है और हर एक जो अपने जो प्रधान है हमारे मेटोर के, जो ट्रैक्टर के प्रधान हैं, जो हमारे ऑटो के प्रधान हैं, सभी इधर प्रधान आए हुए हैं, सभी साथ मिलकर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी लखनपुर में हम इकट्ठे हुए हैं। सर लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है कि लोग जो आवाज़ उठाएं फैसला वही हो, जो लोग आवाज़ उठाएं फैसला वही हो, चाहे पार्लियामेंट में जो लोग जो फैसला उठाते हैं वही कानून पास होते हैं। ये हमारी लखनपुर की धरती है, हम इधर के बसिंदे हैं, 19 पंचायतों के हम इधर हमारे पंचायत सरपंच पंच वो हमारे ऑटो ड्राइवर मेट्रो ड्राइवर इधर कटे हुए हैं, हमारी इधर जगह जमीनें हैं, हम इधर रोज दिन के 4 बजे जाते हैं, शाम को आते हैं, दिन को भी आते हैं, रात को भी आते हैं। जो गुंडा इधर टोल लगाया है, टोल पहले गवर्नमेंट का था, अगर गवर्नमेंट का हटाया तो प्राइवेट क्यों लगाया, मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। लोग जो लोगों की धज्जियां उठा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, आज जो दुनिया जो ड्राइवर जिन्होंने अपने ऑटो लोन पर लिए हैं, मेट्रो लोन पर लिए हैं, ट्रैक्टर लोन पर लिए हैं, सभी इधर जो टोल हम दे देंगे तो लोग अपने जो बच्चों को क्या खिलाएंगे और हम जो हमारी इनकम है टोटली 0% है, हमारी खेती बाड़ी है, हमारी पराली इधर आती है, दाने भी आते हैं। देखो इन्होंने दोनों जो रास्ते हैं ये दो प्लस किए हुए हैं, इधर जो रास्ता है जो हमारा रेलवे जो टैग वाला रास्ता है इधर लोग परेशान किए इन्होंने इस टोल प्लाजे ने, जो हमारा नेशनल हाईवे जो टोल लगाया है इस टोल प्लाजे ने जिसने अपने टेंड उठाया है, हम कहते हैं जे टोटल माफ होना चाहिए। JK 08 जो गाड़ी है, चाहे मेटोर है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे ऑटो है, चाहे हमारी एक बात हो रहा है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जो RTO ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन गाड़ी हुई है वो सभी माफ होने चाहिए, हो चाहे PB नंबर हो, चाहे JK 08 नंबर हो, क्योंकि देखो हमारे इधर हमारे जो पंचायतों में कई लोगों ने पंजाब नगर गाड़ी रखी हुई है, कई लोगों ने हिमाचल नगर गाड़ी रखी हुई है, हम कहते हैं इन सभी को जो आधार कार्ड लेके उसका सभी को माफ होना चाहिए। जो तो माफी बैठे तो जो मास्टर कहता है मास्टर ने आपका गुंडा है उसको हम अरेस्ट करवाएंगे, आज क्यों करवाएंगे, जो जो दुनिया है एक आदमी ने दुनिया पर परेशान कर रखा है, हैं लोकतंत्र को दजी उड़ा रहा है, जो लोग बोलेंगे वो ही होगा। हम कहते हैं मास्टर जी कौन है, वो क्यों लोग मास्टर कहते हैं दलाल इधर का जो ठेकेदार ठेका लिया है, ठेका किस लिए लिया है, लोगों को परेशान करने के लिए ठेका लिए है। हम चाहते हैं जो JK 08 गाड़ी है वो टोटली माफ होनी चाहिए। देखो पिछले दिन क्या हुआ कि हम उसके पास गए, मैं उसको बोला कि